सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो देखो यार, मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, ये जो वीडियो है वो मेरे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि ये सब। तो हाँ, बिना इन्हें और आप सभी को इंतजार कराए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, इसकी पहली वीडियो में तो हमने जाना था नॉर्मल एवेंजर्स के बारे में, मतलब कि उसमें ज्यादा एवेंजर्स नहीं थे, लेकिन इस वाली वीडियो में ओरिजिनल 6 एवेंजर्स रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला नाम आता है स्पाइडरमैन का। अब हाँ यार, तुम ये वाला नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होगे, क्योंकि यार अभी तक तो हम लोगों ने मूवी में इन दोनों को एक साथ देखा नहीं है। हाँ, सिविल वॉर में देखा था, बस थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन हाँ कॉमिक्स में इनका लफड़ा काफी चला था। अब देखो, कॉमिक में हुआ ये था कि नताशा दरअसल उस टाइम पर भूल गई थी कि वो नताशा है, मतलब कि ब्लैक विडो है, और वो एक टीचर बन चुकी थी, और स्पाइडरमैन भी उस वक्त पर टीनेजर ही था। तो दोनों में लव हो गया, वैसे कुछ खास ज्यादा तो हुआ नहीं था, लेकिन हाँ लव तो जरूर था। हाँ, तो अगला नाम आता है डॉक्टर डूम का। हाँ, इस कैरेक्टर को तुम जानते तो नहीं होगे, क्योंकि अभी तक ये हमें लाइव एक्शन में दिखा नहीं है मार्वल में, लेकिन हाँ तुमने इसके बारे में काफी सारे वीडियो देखे होंगे। तो देखो, ये कांड हुआ था एक मिनी सीरीज में, जिसमें हमें बताया जाता है ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिवर्स है, और जहाँ पर निक फ्यूरी और डॉक्टर डूम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और नताशा भी ऐसा ही करती है। और तभी हमारा निक फ्यूरी नताशा को एक मिशन देता है, लेकिन फिर नताशा निक फ्यूरी को धोखा दे देती है, क्योंकि वो उस वक्त डॉक्टर डूम के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन आगे चलकर इनका कुछ होता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डूम नताशा को मार देता है। अब देखो, अगला नाम जिस बंदे का आने वाला है वो लगभग हमारी इस सीरीज की हर एक वीडियो में मिलेगा आपको, और जिन लोगों ने हमारी पूरी सीरीज देखी है वो लोग समझ ही गए होंगे कि वो है हमारा प्यारा टोनी स्टार्क। अब देखो यार, मूवीज में तो आयरन मैन ने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि ब्लैक विडो उससे पट जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन कॉमिक्स में तो आयरन मैन और नताशा की शादी तक होने वाली थी, लेकिन शादी हो उससे पहले ही पता चल गया था कि नताशा ये सब बदले के लिए कर रही है, और कुछ टाइम बाद ही नताशा उस कॉमिक्स में मर भी जाती है। और फिर कुछ समय बाद आयरन मैन एक पार्टी में जाता है, जहां पर नताशा और उसकी एक प्राइवेट वीडियो चलने लगती है, जिस वीडियो में बहुत कुछ था, और उस वीडियो की वजह से टोनी स्टार्क की इमेज भी गिर गई थी वहां पर। तो चलो यार, अब हम बात करने वाले मार्वल के चॉकलेटी बॉय के बारे में, जो कि है हमारा कैप्टन अमेरिका। अब हाँ यार, तुम्हें लग रहा होगा कि कैप्टन अमेरिका तो सपूत आदमी है, संस्कारी आदमी है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का और नताशा का एक बेटा भी रह चुका है, जिसका नाम है जेम्स रॉजर्स। ये सब सुन के तुम्हें पता तो लग ही गया होगा कि कैप्टन अमेरिका कितना बड़ा हरामी है, जिसने मार्वल की एक भी हसीना को नहीं छोड़ा अभी तक। तो चलो यार, अब बात करते हैं नताशा के लास्ट लव इंटरेस्ट के बारे में, जो कि है हल्क। तो यार देखो, मैंने इसको लास्ट इसीलिए बोला क्योंकि हमने लाइव एक्शन में इन दोनों को लास्ट बार एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, और वहां पर हमें इन दोनों में काफी ज्यादा प्यार नजर आया था, और मूवी में ये दोनों प्लान भी कर रहे थे कहीं और जाने का, मतलब अकेले रहने का। लेकिन बाद में हल्क चला जाता है सकार पर, और फिर वो आता है, नताशा मर जाती है एंड गेम में। तो देखो यार, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे ये वीडियो लाने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें सेकंड पार्ट दूँ और ऐसा वैसा रीमेक दे। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो।